एज द नेम सजेस्ट, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपने फ्रिज का टूर शेयर करने वाली हूँ और साथ में इस फ्रिज का जेन्युइन रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आफ्टर यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। जब से मैंने इस फ्रिज का अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया था अपने चैनल पर, तब से ही मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। कोई इसका प्राइस पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था ये चल कैसा रहा है, कहाँ से लिया, इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगातार मिल रहे थे। तो आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ इसका ऑर्गेनाइजेशन और रिव्यू का वीडियो प्रॉपरली शेयर कर दूं, जिससे कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। तो ये है सैमसंग का 415 लीटर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इसका मॉडल नंबर है RT42M5538SH TL एलिगेंट इनॉक्स कलर में। इसके डायमेंशन और बाकी डिटेल्स मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहले आता है फ्रीज़र। फ्रीज़र में मैंने होल स्पाइसेस रखे हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और फ्रोजन वेजिटेबल्स रखी हैं। वेजिटेबल ज़्यादा नहीं है, इसमें मटर ही रखी हैं। अभी तो इसमें कम है, जब सर्दियों का मौसम जाने वाला होता है तो मैं बहुत सारी मटर ऑलमोस्ट 10 kg तक छील के स्टोर करके इसमें रख लेती हूँ। बड़ा सा बॉक्स होता है और भी छोटे बॉक्स होते हैं, वो सब भर के मैं इसमें रख लेती हूँ। अभी क्योंकि हम काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं तो अभी ये इतनी ही बची हैं, तो जैसे जैसे यूज़ होता चला जाता है मैं बॉक्स चेंज कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बॉक्स मटर रखी हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये नारियल रखा है, तो इस तरह की चीज़ें, साथ में होल स्पाइसेस, वो सारे मैं इसी में रखती हूँ। इसमें मूवेबल आइस मेकर था, क्योंकि हम आइस यूज़ नहीं करते तो मैंने उसको हटा के अलग से रख दिया। इसी तरह से डोर में भी मैंने स्पाइसेस ही रखी हैं, स्पाइसेस प्लस जो सीड्स होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, तिल हैं, जो रेगुलर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते या पैकेट्स बड़े हैं, वो सब मैं इसमें ही स्टोर करके रखती हूँ। फ्रीज़र में इतना ही सामान होता है और मैं इसको ऐसे फ्रीज़र ही यूज़ करती हूँ। नीचे आते हैं फ्रिज सेक्शन में, तो सबसे पहले है ये चिल ट्रे, जिसमें मैं दूध के एक्स्ट्रा पैकेट्स, सभी तरह के बटर, चाहे वो घर में बना हुआ नॉर्मल बटर, घर में बना हुआ पीनट बटर या फिर अमूल बटर, मलाई, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बटर वगैरह हैं, वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये जो डोर है चिल ट्रे का, इसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम बार बार फ्रिज खोल भी रहे हैं तो भी इस एरिया का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और चीज़ें ख़राब नहीं होती, इसलिए सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ। इसके नीचे वाली शेल्फ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध का पतीला रखा है, जो भी सामान घर में बच जाता है, हम खाना बनाते हैं वो बच जाता है, तो वो भी यहीं पर रखा होता है। लेफ्ट ओवर है, दूध है, दही है, वो सारे बर्तन मैं यहीं पे रखती हूँ। तो बेसिकली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, साथ में जो लेफ्ट ओवर फूड है, वो ज़्यादातर इस शेल्फ में होता है। तो इसके जो नीचे की जितनी भी शेल्फ हैं उनमें ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल रखे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं और उससे नीचे की अगेन एक और शेल्फ है, उस पर भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही रखे हैं। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करती हूँ, कि जो चीज़ पहले आई है वो यूज़ भी पहले होगी। जैसे कि ये पपीता है, तो जो पहले आया था उसको मैंने आगे रखा है और जो बाद में आए थे उनको मैंने पीछे रखा है। तो बास्केट्स भी मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर बास्केट है उसमें पहले का सामान रखा है, पहले उसको फिनिश करना है, उसके बाद ही जो बाद में सामान आया है उसको यूज़ करना है। तो ये बास्केट्स मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी बास्केट्स का और स्टोरेज कंटेनर्स का मैंने यूज़ नहीं किया है, जो चीज़ें मेरे पास पहले से थी वही चीज़ें मैं अभी भी इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अलग से कोई स्पेसिफिक जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं या स्टोरेज बास्केट्स हैं वो नहीं खरीदी हैं।
सबसे नीचे की शेल्फ में कुछ ग्रोसरी आइटम्स रखे हैं और कुछ सब्जियां रखी हैं। तो डिपेंडिंग, कभी सब्जियां ज़्यादा होती हैं तो कभी ग्रोसरी आइटम्स ज़्यादा होते हैं, तो जैसी ज़रूरत होती है मैं इसको वैसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ही इस तरह से रखी होती हैं। सबसे नीचे है ये बड़ा सा वेजिटेबल बॉक्स, लेकिन मैं इसमें वेजिटेबल स्टोर करके नहीं रखती हूँ, मैं इसमें अपने घर की एक्स्ट्रा ग्रोसरीज को स्टोर करके रखती हूँ। एक्स्ट्रा ग्रोसरीज जैसे कि एक्स्ट्रा दालें हैं, ओट्स हैं, या फिर सूजी है, बेसन है, ये सब चीज़ें हैं जिनमें कीड़ा लगने का डर होता है या जो ख़राब हो जाती हैं जल्दी से, लेकिन हमें घर में एक्स्ट्रा भी रखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें ही स्टोर करके रखती हूँ और ये यूज़ करने में काफ़ी कम्फर्टेबल है। अगर हम डोर में आते हैं तो डोर में भी आप देख सकते हैं छोटी सी बास्केट रखी है, इसमें मैंने बच्चों को जो नेबुलाइजर दिया जाता है उसकी वायल्स रखी हैं। इसके साथ एक और फ्रूट बॉक्स रखा है, इसमें जो लेमन्स हैं, कड़ी पत्ता है वो रखा है। नीचे के सेक्शन में अगर आते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक इधर रखे होते हैं जो मैंने शेयर किए थे आपसे पहले वीडियो में। और इसके साइड में ही जो एक और छोटी स्पेस है उसमें जैम्स, सॉसेस वगैरह जो यूज़ किए आते हैं डेली बेसिस पे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिसलेनियस भी रखी हुई हैं। इसके अलावा बड़ा सा स्पेस प्रोवाइड किया है वाटर बॉटल्स के लिए, तो अगेन हम ठंडा पानी यूज़ नहीं करते हैं, तो इस स्पेस को मैंने यूज़ किया हुआ है सॉस का पैकेट रखने के लिए, डेली बेसिस के छोटे जो पैकेट्स होते हैं स्पाइसेस के वो रखने के लिए, उनके लिए अगेन मैंने एक बास्केट यूज़ की है। इस बास्केट में मैंने सारे पैकेट्स रखे हैं। इस तरह रखने से मैं इनको आराम से यूज़ कर पाती हूँ। और साथ में रखा है ये एक कंटेनर, इसमें मैं बेसन रखती हूँ। बेसन को मैं बाहर नहीं रखती क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत दिनों तक यूज़ नहीं होती तो वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जब हम उसको फ्रिज में रखे रहते हैं तो वो ख़राब नहीं होती, इसलिए बेसन हमेशा ही फ्रिज में रहता है, तो ये कंटेनर मैं यहाँ पर रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। जो डोर वाला सेक्शन है यूजुअली सेम ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होते, लेकिन जो नीचे की चार शेल्फ्स हैं वो चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या स्टोर किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है रिव्यू की बारी। तो ये फ्रिज हमने 2018 की दिवाली की सेल में लिया था। इस फ्रिज को मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी तक हमने इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है। एक जो माइनर सी प्रॉब्लम होती है कि कई बार ये फ्रिज बड़ा अनयूजुअल सी एक साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि हमारे एरिया में पावर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये उसका इशू हो सकता है, क्योंकि जब हमने बात की थी कस्टमर केयर से तो उन्होंने कहा भी था कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो साउंड होती है ये रेगुलर नहीं होती, वंस इन अ वाइल, कभी मंथ में होती है, कभी 15 डे में होती है, इस तरह से होती है, डेली बेसिस पे ये साउंड नहीं होती। इस मॉडल में इनबिल्ट डिजिटल इन्वर्टर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अगेन हमारे एरिया में पावर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, उसी की वजह से हमारा पुराना फ्रिज भी ख़राब हो गया था, तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से एक सर्ज प्रोटेक्टर इसमें लगा रखा है। फ्रीजर सेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें जो कूल पैक दिया हुआ है वो अपना काम प्रॉपर करता है, उसमें अगर चीज़ें रखी हैं पावर कट हो भी जाता है तो भी चीज़ें ठंडी रहती हैं और ये अपना काम प्रॉपरली करता है। स्पेशियस ये काफ़ी है, फ्रीज़र में भी आप काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे लिए तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है और मैं इसको काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ करती हूँ। ऊपर अगर हम इसके डिजिटल डिस्प्ले में आते हैं तो डिजिटल डिस्प्ले को भी यूज़ करना काफ़ी ईजी है। आप आराम से फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ये बटन 3 सेकंड तक प्रेस करने से। और जब आपको सच में फ्रीज़र की ज़रूरत हो तो अगेन उसी बटन को प्रेस करके आप फिर से फ्रिज को फ्रीज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आराम से हो जाता है। हालांकि मैंने कभी भी फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी फ्रिज का सेक्शन काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, हमें सफिशिएंट रहता है।
इसमें ट्विन कूलिंग सिस्टम है, जिससे कि जो ऊपर का सेक्शन है उसकी कूलिंग अलग होती है और जो नीचे का सेक्शन है फ्रिज सेक्शन है उसकी कूलिंग अलग होती है। तो ये जो कूलिंग है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है, तो फ्रिज अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें डिओडोराइजर प्रोवाइड किया गया है और वो भी काफी अच्छे से काम करता है। अभी तक मैंने इसमें कोई स्मेल का इश्यू फेस नहीं किया है, तो इट इज वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो कूल पैक हो, चाहे वो आइस मेकर हो, चाहे वो शेल्फ्स हो, आइस ट्रेज हो, ये सारी की सारी रिमूवेबल हैं। आप इनको इजीली निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और आराम से इनको वापस लगा सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपको फ्रिज साफ़ करना है तो सारी की सारी चीज़ें आराम से निकल आएंगी और आप उनको क्लीन करके दोबारा से उसमें लगा सकते हैं। पीछे का एरिया भी इसका पूरा कवर है, सिर्फ थोड़ा सा लास्ट का एरिया अनकवर है, बाकी ये सेफ है। हमने इसमें भी कोई इश्यू फेस नहीं किया है। इसमें 10 ईयर की वारंटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन अभी तक फ्रिज अच्छे से काम कर रहा है तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई नहीं है, तो इस तरह का हमें कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। ये काफ़ी स्पेशियस फ्रिज है, इसमें काफ़ी स्पेस है और 4 से 6 लोगों की फैमिली के लिए तो ये परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल रखे हैं, तब भी इसमें काफ़ी सारी जो स्पेस है उसमें मैंने ग्रोसरीज भी रखी हुई हैं। अगर आप इसमें ग्रोसरीज नहीं रखते हैं तो फ्रूट और वेजिटेबल तो आप इसमें काफ़ी सारे रख सकते हैं और अपना बाकी सामान भी रख सकते हैं। बात आती है इसकी टफनेस की। सैमसंग के अकॉर्डिंग तो इसकी जो शेल्फ्स हैं वो 150 kg तक का लोड ले सकती हैं, लेकिन आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो 150 kg उसमें रखना नहीं है। हाँ, 10 से 12 या मैक्सिमम 15 kg तक का तो सामान मैंने इस पे रख के देखा है, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल्स कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कोई चीज़ हमें ग्रोसरी में ज़्यादा रखनी पड़ जाती है, तो उतना वेट ही आराम से ले लेते हैं। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो काफ़ी इसका रफ एंड टफ यूज़ हुआ है और ये अच्छे से काम कर रहा है। अब बात आती है कि प्राइस की और हमने ये कहाँ से लिया। हमारा पुराना जो फ्रिज था वो भी सैमसंग का था, तो हमने उसको एक्सचेंज किया, प्लस जो दिवाली ऑफर था वो अप्लाई होने के बाद ये फ्रिज हमें 2018 में 38,000 का पड़ा। और हमने ये ऑनलाइन नहीं लिया था, हमने ये पुणे सिटी में बानेर एरिया है वहाँ के सैमसंग स्टोर से ही लिया था। तो उस वक्त जब हमने चेक किया था तो ऑनलाइन से सस्ता ये सैमसंग के स्टोर पर ही था, तो इसलिए हमने जाके इसको ऑफलाइन ही लिया, वहाँ पे ये डील हमें ज़्यादा अच्छी मिल गई। ये प्राइस 2018 का है, तो अब तो ये प्राइस सेम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कितने का है, कहाँ से लिया है, इसलिए मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोबारा से शेयर की। हालांकि मैं पहले वीडियो में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर चुकी थी। तो एंड में मैं ये कह सकती हूँ कि हमें कंपनी ने जो जो कहा था ये उसी तरह से काम कर रहा है, कन्वर्टेबल है। वो बात अलग है कि हम इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना चाहें, टेम्परेचर को ऊपर नीचे करना चाहें, तो वो इजीली हो जाता है। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी यूज़फुल है एंड वी आर हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इसमें मैंने जो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फ्रिज के साथ वो शेयर किया है। आई होप दिस हेल्प। अगेन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ मैं भूल गई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही और रिव्यूज़ वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
So I will see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Thank you for watching. Bye bye.